हेलो नमस्कार। मनीष अग्रवाल, कक्षा 12 के सिलेबस में डे 99 में नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। जैसा हमने डे 98 में बात की थी कि अगला जो टॉपिक है वो फिर लेंज लो से ही है, और लेंज लो से संबंधित ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कैसे फॉलो होता है, कैसे सिद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के भी दे दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंज लो जो है, लेंज का नियम है, उसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित किया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का सत्यापन कीजिए लेंज लो के द्वारा, उसके ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए लेंज लो के द्वारा, ठीक है, किसी भी तरह से दे दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि लेंज लो और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। लेंज के नियम से हम ये बता सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है। सबसे पहली बात, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पता है सभी को क्या हो रहा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जब हम यहाँ एक बात ये कह रहे हैं कि हम सिद्ध करना क्या चाह रहे हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्लस में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है, हम ये कह रहे हैं उत्पन्न हो रहा है। और हम ये दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता। वोल्टेज इज एनर्जी, वोल्टेज जो है वो क्या है, विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, वो ऊर्जा है, ऊर्जा है। और हम ये कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, और उधर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में कह रहे हैं कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तित होती है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ से परिवर्तित हो गया है, कि वो कौन सी ऊर्जा है जो विद्युत वाहक बल के रूप में बदल गई है, वो हमें बताना है। जब हम बता देंगे कि भाई ये ऊर्जा यहाँ से आई है और ये ऊर्जा विद्युत वाहक बल के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो हम इसका मतलब हमने ये बता दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से कन्वर्ट होकर ही आई है। इसका मतलब यहाँ भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना हो गई है। तो हमें ये बताना, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हम कनेक्ट कैसे करेंगे इसे, हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारे पास आधी बात है, हम दूसरी आधी बात को डिस्कस करेंगे और उससे कनेक्ट कर देंगे। भाई ये जो विद्युत वाहक बल के रूप में ऊर्जा है उत्पन्न, जो कह रहे हैं उत्पत्ति हुई है, वो उत्पत्ति कहाँ से कन्वर्ट होकर आई है, कौन सी ऊर्जा है जो इसमें बदली है, हमें बस ये बताना कि कहां से है। जब आप ये बता देंगे कि अब ऐसे आई है ऊर्जा और उस ऊर्जा से यहाँ कन्वर्ट होके ये विद्युत वाहक बल ईएमएफ में कन्वर्ट हो गई, तो सिद्ध हो गया कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती और नष्ट नहीं हो सकती, केवल ट्रांसफर हो सकती है। जब ये सिद्ध हो गया तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की परिभाषा सिद्ध हो गई, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, उसकी व्याख्या करते हैं और उसे सत्यापित करते हैं, यानी दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन, कि ये कन्वर्ट हो सकती है केवल नष्ट और उत्पन्न नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट लिए थे हम वैसे ही एक्सपेरिमेंट लेकर बात करेंगे और उसी से ही हम इसको प्रूफ करते हैं। हम ये लेकर चलते हैं कि ये कॉइल है, कोई कुंडली है, कोई हम ये लेकर चलते हैं और उसमें क्या है, उसमें एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ रखा है और दूसरा आप क्या करते हैं कि कोई चुंबक इसके पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं। पास लाते तो हम क्या कहते हैं, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। दूर ले जाते हैं तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा यानी कमी होगी। दोनों स्थितियों में यहां कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई। तो वो भी हम देख लेंगे, दिशा की बात मैंने कर दी आपको, हम नेक्स्ट क्लास में बाद में करेंगे जिसमें हम केवल डायरेक्शन की बात करेंगे, कैसे कैसे डायरेक्शन ली जा सकती है। इसके लिए हम इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे, किसी चालक की गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। गति करेंगे तो भी उसमें क्या देखेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है या आपने कोई कंडक्टर है, हम उसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब पूरा अंदर था तो उसमें फ्लक्स का मान ज्यादा था, जैसे जैसे बाहर निकाल रहे हैं फ्लक्स के मान में कमी आ रही है, उसके फ्लक्स का मतलब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कमी आ रही है, कमी आ रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है।
तो वो उसके वेग भी निर्भर करेगा, किस स्पीड से हम उसको बाहर लेके आ रहे हैं, किस स्पीड से हम उसको अंदर लेके जा रहे हैं, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी डायरेक्शन कैसे हो। अभी बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत और लेंस के नियम की। लेंस के नियम की बात कर ली हमने, क्या है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात कर ली, कनेक्ट कैसे करना है। हम इसमें एक कंडीशन लेकर चलेंगे, मान के चलेंगे। हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कुंडली है जिसके पास किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया जा रहा है, वो दिख रहा है मेरे, देख रहा है एन है, एरो क्या बता रहा है, इसके पास ला रहा है। जैसे इसे पास लाते हैं तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है और वह एक विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है फैराडे के नियम से। फिर उत्पत्ति होती है विद्युत वाहक बल की और उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी खुद की उत्पत्ति हुई है। किसके नियम से, लेंस के नियम से। अब उत्पत्ति किसका कारण क्या है, इसके अंदर देखें उत्पत्ति का कारण क्या है, कारण क्या है, कारण चुंबक का पास होना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पास होना। तो इस कारण का विरोध करेगी, यानी चुंबक के पास आने का विरोध करेगी बाय लेंस लॉ। लेंस के नियम से ये कुंडली इस प्रकार से व्यवहार करेगी कि चुंबक को अपने पास नहीं आने देगी, नहीं आने देगी। इसका मतलब इस कुंडली का सिरा जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, एन की तरह व्यवहार करेगा। तो फिर इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। इसका मतलब देखो कुंडली जो है वो भी किसकी तरह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके भी फॉर्मूले निकाले तो उसी हिसाब से सॉल्व किए जा सकते हैं। एक कुंडली भी छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी उसका भी एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो इसके अक्ष के अनुदिश होता है। एक तरफ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता है, एक तरफ से अंदर आता है, तो एक बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। इसका मतलब वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये एन हो गया तो ऑटोमेटिक एस हो गया दूसरा सिरा, ठीक है। अब देखो फिर वही बात कर रहे हैं कि चुंबक को जब पास लाते हैं तो ये कुंडली चुंबक के पास आने का विरोध करती है, अपोज करती है, इसको अपोज करती है। अपोज कब करेगी, किसी भी चुंबक को जैसा उसका ध्रुव पास आ रहा है वैसा ये व्यवहार करे। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करती है, उत्तरी ध्रुव की तरह। अब ये इसको क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पास ला रहे हैं, यानी हमें कोई धक्का दे रहा है और हम फिर भी उसके पास जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके धक्के के विपरीत हमें कार्य करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बल गुणा विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य क्या होती है, ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा क्या होती है, किसमें बदल जाती है, विद्युत वाहक में। तो यहाँ पर उसी बात को अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम चुंबक को पास लेके आते हैं ये सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है लेंस के नियम से, क्योंकि वो आने वाले चुंबक का गति का विरोध करता है, इसलिए उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और इसे प्रतिकर्षित करता है। हम इसको पास ला रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, कौन सा कार्य, यांत्रिक कार्य, क्योंकि यांत्रिक गति हो रही है, यांत्रिक कार्य गति करवा रहे हैं। तो जो यांत्रिक कार्य किया जा रहा है वो यांत्रिक कार्य ही ईएमएफ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इस प्रोसेस में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो उत्पत्ति नहीं हुई है, हम लिख देते हैं जैसे किताबों में लिखा है कि उत्पत्ति हुई। अब रियल में तो हमें ये लिखना चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा से ईएमएफ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वही बात हमने यहाँ अलग टॉपिक में कर ली इसके अंदर, कि जैसे ही हम इसको नजदीक लाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से ऊर्जा यहाँ उत्पन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये है लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, बस ये एक डायग्राम इसमें बनाना। अब दिक्कत रहेगी मैं इसमें लिखना कैसे है, समस्या ये भी है। तो लिखने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा समझे आपने। मैंने आपको अभी मैं पिछली क्लास में बात की थी कि आपको लिखने का ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, कि बुक की लैंग्वेज होनी चाहिए, नोट्स की लैंग्वेज होनी चाहिए, टीचर बोल रहा है सेम का सेम छापना जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपको समझ में आया वैसे आप उसे लिख सकते हैं। आप उसे कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा, हमें दो बातें कनेक्ट करनी है,
तो पहले तुम दोनों बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को गैस उत्पन्न किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। दूसरी बात है लेंस के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लिख दिया थर्ड कंडीशन। तीसरे पैराग्राफ शुरू करोगे फिर आप लिखोगे माना किसी कुंडली में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के नजदीक लाया जाता है। जैसे जैसे अब ये प्रोसेस लिखने आप प्रोसेस से हमें समझाना है लास्ट तक चाहे चार लाइनें भरे चाहे आठ लाइनें भरो आप हमें ये समझाना है कि पास लाने पर हम कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। बस जब ये समझा देंगे तो हम क्या लिख देंगे कि इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो दोबारा हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं सिस्टमेटिक। पहले आप ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लिख लें फिर आप लेंज का नियम लिख दें फिर प्रोसेस लिखते हैं। प्रोसेस में आपको क्या लिखना है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के नजदीक लाया जाता है तो यहाँ उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो चुंबक के पास आने का विरोध करती है। अतः कुंडली का यह सिरा चुंबक के नजदीक वाला सिरा अतः कुंडली का चुंबक के नजदीक वाला सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है और प्रतिकर्षित करता है। हमें चुंबक को पास लाने के लिए इस प्रतिकर्षण के विपरीत कार्य करना पड़ता है। यह किया गया यांत्रिक कार्य ही कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। बस ये बात होता है ये आपको इसमें ठीक है इसे देख लिया आप समझ में दिक्कत आए। वैसे तो हमने इस वीडियो में तीन चार बार इसको रिवाइज कर लिए है लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो भी आप दोबारा दो बार सुन ले इसको तीन बार सुन ले आप उस तरीके से इसको लिख लें रिवाइज करके पढ़े तो अपने आप ऑटोमेटिक हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी जो बात हो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूएशन करेंगे वो अभी मैंने आपको बताया था गतिक विद्युत वाहक बल को भी पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर 300 में और फिर उसके बाद हम दिशा की बात करेंगे क्या होगा ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।